वेलकम टू कंपटीशन। अब आज हम बात करने वाले हैं एसएससी से रिलेटेड काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट मैटर है, जैसे कि कल 16 मार्च को बड़े लेवल पे, मास लेवल पे पूरे ऑल ओवर इंडिया में लोग इकट्ठे हुए हर एक जगह पे इलाहाबाद में। इसके साथ साथ कुछ एक केस के बारे में भी बात करेंगे, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं उन सब के बारे में, क्योंकि आपको सभी को इन्फॉर्मेशन देना हमारा पहली प्राइमरी ड्यूटी है। यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया कॉम्पिटिशन आपको तो सब्सक्राइब करना चाहें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा कॉम्पिटिशन HU लिख के हमारे फेसबुक पेज को लाइक या फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक डली हुई है ऑलरेडी। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं केस के बारे में। एक्चुअली केस के बारे में थोड़ा बाद में बात करेंगे, लेकिन कल के बारे में बात करते हैं। कल आप जो सबसे बड़ी धोखा हुआ है, ये मान लीजिए कि बच्चों के साथ में धोखा हो गया है, जो काफ़ी सारे हजारों बच्चे कल सड़क पर थे जिन्होंने फास्ट रखा था, एक तरीके से ये मान लो फूड स्ट्राइक की थी। इसके साथ साथ पूरे ऑल ओवर इंडिया की जो रिप्रेजेंटेशन गई थी दिल्ली से, उसमें आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा कि यदि आपको नहीं पता हो तो आप हमारे फेसबुक पेज पर जाइए, वहाँ पर फोटो हैं, काफ़ी सारे फ़ोटोज़ लगा के रखे, इससे काफ़ी सारी चीज़ें प्रूफ होती हैं कि हाँ बच्चों के साथ धोखा हो गया है। वो चीज़ें ये हैं कि दिल्ली में जो रिप्रेजेंटेशन की टीम गई थी उसमें 5 लोग गए थे, 3 बच्चे गए थे और 2 टीचर गए थे। ठीक है, जो 3 बच्चे गए थे उनमें से एक बच्चा ऐसा मिला है जो पर्टिकुलर एक टीचर का रिलेटिव है, रिलेटिव के साथ साथ उस पर्टिकुलर कोचिंग की जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका वो एक मेंबर भी है साथ में। ठीक है, ये सारी बातें हैं, तो ये सारे बातों का प्रूफ भी है, और प्रूफ के लिए आपने हो सकता है आपने वायरल ये काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गया है, आपने देख लिया हो फेसबुक पे। यदि नहीं देखा है तो आप हमारे फेसबुक के पेज पे हमने काफ़ी सारे पिक डाले हैं, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। यदि आप वैसे फाइंड करना चाहें कॉम्पिटिशन HU लिख के तो वहाँ से फाइंड कर सकते हो, तो आपको पूरा ट्रस्ट हो जाएगा। ठीक, इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात थी कि हो सकता है जो बच्चों की डिमांड थी वो पूरी की पूरी वहाँ पे जो डेलीगेशन टीम थी उन्होंने वहाँ पे अपनी डिमांड नहीं रख पाई होगी, और जो भी उनकी बात हुई होगी वहाँ पे जो भी चेयरमैन से और इसके साथ साथ सेक्रेटरी से तो वो शायद प्रॉपर उसका सॉल्यूशन ना मिल पाए। तो कल जो इतना सारा सब कुछ क्राउड वगैरह इकट्ठा हुआ था उसका प्रॉपर शायद सॉल्यूशन ना मिल पाए, क्योंकि अभी तक नोटिस भी नहीं आया, और नोटिस आएगा भी तो हो सकता है बहुत सारा डिप्लोमेटिक नोटिस हो। तो कुल मिला के साथ एक बात ये है कि जिन लोगों पर बच्चों ने ट्रस्ट किया वहीं से उन्हें धोखा मिला। अब सबसे बड़ी बात एक और चीज़ की कर लेते हैं, वो भी आपको बताना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आप ये मेरी बात समझ गए होंगे मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, नाम नहीं ले रहा हूँ मैं, ठीक है, लेकिन आपको देखना है तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे हमारे जैसे ही फेसबुक के पेज पे जाएंगे तब। ठीक है, दूसरी बात यह है कि एक पिटीशन लगी हुई है, 20 तारीख को हेयरिंग है। ठीक है, ये जो पिटीशन लगाई है शर्मा जी ने खुद अपनी मर्जी से लगाई है कि इतने बड़े लेवल पे ये सब चीज़ें हो रही थी, यहाँ पे SSC के एस्पिरेंट उसमें ज़्यादा केस में इन्वॉल्व नहीं है। और जो पिटीशन में जो प्रे वगैरह है वो प्रे में एक इंक्वायरी की मांग की गई है, वो इंक्वायरी कौन सी होनी चाहिए इसका अभी तक कोई वो नहीं है, मतलब कोई भी डिमांड नहीं है, वो इंक्वायरी कैसी भी हो जाए, क्योंकि प्रे भी शायद हमारे फेसबुक के पेज पर डली हुई है, तो आपको नीचे पोस्ट में मिल जाएगी ये सब प्रे वगैरह। इसके साथ साथ अब एक जो बात आई है वो इन्होंने बोला एज लिमिट 32 होनी चाहिए इसके लिए, हो सकता है ये कुछ PIL वगैरह लगाएं, बट ऑलरेडी ये बात भी बिल्कुल सही है, इनका कहना कि आप जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बात ठीक है, ये वाली बात मान ली अब। और इसके साथ साथ मेन चीज़ वो ये है कि पॉलिटिकल पार्टी विल डिस्ट्रॉय एंटायर स्टूडेंट केस, ये चलो अलग मैटर हो गया, इसके बारे में हम बात ना करते हुए मेन चीज़ है वो एक और चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं, एक बच्चों की तरफ से स्पेशली जो एस्पिरेंट हैं जो CGO कॉम्प्लेक्स के बाहर थे जब प्रशांत भूषण जी आए थे तो उनसे मिले थे और उन्होंने बच्चों को बताया था कि किस तरीके से क्या करना है, तो वो भी एक PIL लगने वाली है, और हो सकता है उसकी हियरिंग 20 तारीख को हो जाए या उसके एक आध दो दिन बाद हो जाए, तो मतलब 20-21 तारीख के टाइम पर एक और आपको एक खुशी की खबर मिल सकती है कि वो किस चीज़ से हो सकती है आपकी, कि ये वाली PIL जो बच्चे डिमांड कर रहे हैं पर्टिकुलर जिस चीज़ के लिए काफ़ी दिनों से घर के बाहर बैठे हुए हैं, CGO कॉम्प्लेक्स के बाहर, इवन हर एक रीजनल ऑफिस के बाहर बैठे हुए हैं, तो यहाँ से एक रिलीफ मिल सकता है। वो कौन सा मिल सकता है, वो आपको पर्टिकुलर 20 तारीख को हो सकता है, ये एक तो 20 तारीख को ये वाली PIL की हेयरिंग होगी आपकी, ठीक है, जिसमें ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में लग चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है 20 तारीख को गवर्नमेंट लॉयर को वहाँ पे अपेयर होने के लिए। अब दूसरी चीज़ एक और है वो प्रशांत भूषण जी की लग सकती है, वो 20 को या 21 को कभी भी आपकी आ सकती है, ठीक है, बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिलेगी, तो वहाँ से कुल मिला के कुछ एक राहत के मतलब सॉल्यूशन का कुछ ना कुछ चीज़ डायरेक्शन मिल सकती है, सबसे बड़ी बात यही है। इसके साथ साथ जो भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है हम आपको बिल्कुल बताएंगे, ये हमें लगा कि बताना चाहिए आपको। थैंक यू सो मच टू गिव वैल्यूएबल टाइम, यदि आपको कोई इशू हो तो कमेंट कर दीजिए, हम उसे भी वीडियो बना के आपको प्रॉपर सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।